Assalamu alaikum students, lesson number 6, changes around us हम पढ़ रहे हैं. तो कल हमने जो है second तक हमने question answers किए थे, आज हम continue करेंगे third से. Given below are some changes, write whether they represent evaporation, condensation or both evaporation and condensation. नीचे हमें कुछ changes दिए गए हैं और वहाँ पे हमें लिखना है कि वो क्या represent कर रहे हैं, evaporation, condensation या दोनों evaporation और condensation वो represent कर रहे हैं, वो हमें लिखना है. A part है after henna is applied on your hand it dries up, तो ये क्या represent कर रहे हैं, evaporation. B part है a little petrol split on the ground disappear rapidly, ये rapidly ये भी आपका जो है evaporation जो है यहाँ पे आपका show कर रहे हैं. C part है after a few hours paint on the wall dries up, ये भी जो है evaporation show कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वहाँ पे जो paint डाले गए थे वो dry किस लिए हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो water vapors थे वो evaporate हो चुके हैं, इसीलिए जो है कुछ time के बाद जो wall पे paint लगा है वो dry होते हैं. इसके बाद D part है mist appears on the outer surface of a window when it is cold outside, तो यहाँ पे क्या represent कर रहे हैं, condensation. E part है water droplets run down the windows when steam comes in contact with the window, तो यहाँ पे भी condensation जो है वो show कर रहे हैं. इसके बाद है F part, even when the sun is not shining clothes dry up, बाहर अगर light नहीं भी होंगे यानी सन जो है शाइन नहीं भी कर रहे होंगे तब भी जो है क्लोथ्स जो है कपड़े जो है वो सूखते हैं, किसकी वजह से, एवेपरेशन की वजह से, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एवेपरेशन. जी पार्ट है ऑन ए हॉट डे क्लाउड्स फ्रॉम ओवर द सी, यहाँ पे जो है दोनों यानी एवेपरेशन और कंडेंसेशन दोनों जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एच पार्ट है योर हेयर इज ड्राइड बाय ए हेयर ड्रायर, अब हमारे हेयर जो है जब हम उन्हें जो है हेयर ड्रायर से ड्राइड करते हैं तो वहाँ पे कौन सा जो है रिप्रेजेंट हो रहा है, कौन सा मेथड जो है रिप्रेजेंट हो रहा है, एवेपरेशन. ठीक है. आई पार्ट है इवन इफ इट हैज नॉट बीन रेनिंग ड्यूरिंग द नाइट ग्रास इज समटाइम वेट इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे कंडेंसेशन जो है आपका रिप्रेजेंट हो रहा है. इसके बाद जे पार्ट है ए स्लाइस ऑफ ब्रेड व्हेन लेफ्ट ऑन द टेबल बिकम्स ड्राई.